इस वीडियो में बात करने वाला हूँ CFPF के वैकेंसी के बारे में, जिसमें BSF, ITBP, SSB, CRPF और असम राइफल, इन सभी भर्ती को एक संग कंबाइंड करके CFPF को BSF के तरफ से वैकेंसी को निकाला गया है। तो यहाँ पे टोटल 1500 प्लस वैकेंसी है, जिसमें आप सभी को SCM का वैकेंसी यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का भी वैकेंसी का अलग अलग वैकेंसी, फोर्स वाइज वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को बताया गया है। और फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं वो भी डिटेल पूरा बताऊंगा। क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसमें फ़िज़िकल क्राइटेरिया को भी मेंशन किया गया है, पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में लिखा हुआ है कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और कॉम्बेंडेंट स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कॉम्बेंडेंट मिनिस्ट्रियल इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF एंड वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट एंड हवलदार क्लर्क इन असम राइफल। पहले असम राइफल में स्टेट वाइज वैकेंसी रहता था, जिसमें सभी स्टेट का अलग अलग कटअप लगता था और उसमें क्लर्क का भी वैकेंसी को ऐड करके आया करता था। पर इस बार से सभी CAPF के अंदर में जो भी फोर्स आता है PF, उन सभी फोर्सों को एक संग कंपाइन करके SCM का भर्ती और ASI का भर्ती को एक संग लाया गया है, जो कि एकदम सही डिसीजन है। क्योंकि अलग अलग एग्ज़ाम का अलग अलग पैटर्न पहले रहता था, जिसके वजह से काफ़ी तैयारी करने में दिक्कत भी आता था। इसका जो ऑनलाइन अप्लीकेशन है वो 9 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 8 तारीख यानी 8 जुलाई तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जो मेन पॉइंट है वो आपको मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, जो वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आप सभी को BSF की ऑफिशियल साइट से ही भरना पड़ेगा, जो रिक्रूटमेंट साइट है। और इसमें कुछ और पॉइंट है, जैसे कि आपका जो इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कि पहले आपका फ़िज़िकल PST होगा, उसके बाद PET होगा यानी फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिज़िकल के बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिर एग्ज़ाम के बाद आप सभी का स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल आप सभी का होने वाला है। इसमें प्रोसेस ऐसा इस पर रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी जो आपका रहने वाला है ऑल इंडिया बेसिस पे रहने वाला है, इसका कटअप भी मेरिट भी बनेगा, वो ऑल इंडिया बेसिस पे आप सभी का मेरिट बनने वाला है, तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है। इसमें आप सभी का जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो BSF के नोडल फोर्स रहेगा, BSF नोडल फोर्स रहेगा। और इसमें मेरिट कम प्रिफ्रेंस कैंडिडेट यानी जितने भी फोर्स है, जैसे BSF है, ITBP है, असम राइफल है, SSB है, CRPF है और CISF है, इन सभी को आप प्रिफ्रेंस डाल सकते हैं। जब फॉर्म आप भरेंगे उस समय प्रिफ्रेंस का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसका सैलरी वगैरह सब कुछ मेंशन है, जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए लेवल 5 का है 29,200 से 92,300 और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का लेवल 4 का 25,500 से 81,100 तक का यहाँ पे लेवल रखा गया है। यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और कॉम्बेंडेंट स्टेनोग्राफर में BSF में टोटल 17 पोस्ट है, CRPF में 21 है, ITBP में 56 पोस्ट रखा गया है और यहाँ पे CISF में 146 और SSB में 3 पोस्ट यहाँ पे रखा है और कैटेगरी वाइज और इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी ऐड किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि हेड कांस्टेबल का जो पोस्ट है उसमें देख सकते हैं कि BSF में टोटल 302 है, CRPF में 282, ITBP में 163, CISF में 496 और यहाँ पे SSB में 5 और असम राइफल में 35 वैकेंसी को यहाँ पे ऐड किया गया है। और जो 10% वैकेंसी रहेगा वो एक सर्विसमैन के लिए रिज़र्व किया गया है, इनमें से 10% वैकेंसी को। और यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ दिया है कि जैसे आप SC ST वालों को, SC और ST वालों को टोटल यहाँ पे 5 साल का छूट मिलेगा और OBC वालों को टोटल यहाँ पे 3 साल का
एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा, पूरा डिटेल में बताया गया है। और सभी का कटअप भी अलग अलग रहने वाला है। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 25 साल, जो कि 1/8/2024 का कटअप रहेगा डेट का। और यहाँ पे आप सभी का, यहाँ पे जो SC/ST के बारे में मैंने बताया कि इतना छूट है, यहाँ पे सब कुछ दिया है। अपने हिसाब से यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं और आपको कितना छूट मिल रहा है। और यहाँ पे और भी कुछ है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ OBC वालों के लिए पॉइंट है, जैसे फॉर OBC सेंटर लिस्ट कैंडिडेट मे रेफर टू NCBC वेबसाइट। यानी आप सभी को बोला गया है कि यहाँ पे जो OBC कैंडिडेट है जिनका सेंटर लिस्ट में नाम आता है, उन सभी का NCBC वेबसाइट में भी होना चाहिए। जैसे आपका सेंटर में आता है, इसमें अगर होगा तो यहाँ पे आपका पूरा सही है, इसके बारे में बताया। और EWS का भी बारे में नीचे के पॉइंट है, जो कि EWS वाला अपना देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो क्वालिफ़िकेशन 1/8/2024 इसमें कटअप है कि इससे पहले तक आपका क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास मार्कशीट वगैरह सब कुछ होना चाहिए। इसमें 10+2 कैंडिडेट इसके लिए आप एलिजिबल है, चाहे जो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ पास भी होंगे तब भी। उसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में, तो अप्लाई कैसे करना है, तो PSF के ऑफिशियल साइट से आपको फर्स्ट में वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, OTR करने के बाद आप सब अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसमें चॉइस वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है टोटल 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। और SC/ST वालों और एक सर्विसमैन वालों को यहाँ पे कोई पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, वोमेन कैंडिडेट को भी पेमेंट नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पे इसमें ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, अगर आप OBC है, जनरल है, तो आपको 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सेंटर लिस्ट भी है, जैसे कि आपके स्टेट में कौन सा नियर बाई सेंटर है, उसके हिसाब से आप चूज़ भी कर सकते हैं फॉर्म भरने वक्त। यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है, तो फर्स्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कि कश्मीर का यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, सभी का यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ, BSF का, ITBP का, सबका यहाँ पे सेंटर जो जो नियर बाई है वो दिया है। बिहार, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, सभी का यहाँ पे दिया हुआ है, तो अपने राज्य के हिसाब से आप लोग अपना एड्रेस देख लेंगे। और इसमें जो अलॉटमेंट है, जो रोल नंबर एलिजिबल कैंडिडेट का, इसका परफॉर्मा दिया है कि इस तरह का आपका रोल नंबर, इस स्टेट का रोल नंबर इस तरह का रहने वाला है। जैसे कश्मीर है, इसमें 3111401 आपका रोल नंबर ASI का रहेगा, और SCM वालों का 111401 ऐसे करके रहेगा। उसी तरह सभी स्टेट का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसमें एग्ज़ाम कैसे होगा, तो एग्ज़ाम का स्कीम दिया है कि फर्स्ट में आप सभी का फेज़ वन में फिज़िकल, PST और PET, सेकेंड फेज़ में CBT, और थर्ड फेज़ में डॉक्यूमेंट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह थर्ड फेज़ में आपका कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट फर्स्ट फेज़ में। इसमें मेल कैंडिडेट का हाइट रखा गया 165 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर यहाँ पे अन बिना फुलाकर, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन देके 82। और मेल कैंडिडेट जो गोरखा है, डोगरा है, मराठा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम से बिलोंग करते हैं, उसका 162.5 सेंटीमीटर। और चेस्ट में 77 नॉर्मल और 3.5 सेंटीमीटर फुलाना है इनको। उसके बाद यहाँ पे सभी का छूट है, हिमाचल प्रदेश का अलग से यहाँ पे सब कुछ। फीमेल कैंडिडेट में गोरखा का 150 सेंटीमीटर, फीमेल का 155 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है। और इसमें जो पहले जैसे CRPF फोर्स में है, उसमें कोई रेस होता था, CISF में कोई रेस नहीं होता था, BSF में होता था, सभी का अलग अलग पहले होता था। किसी फोर्स में आपका रेस होता था SCM में, और किसी किसी में फोर्स नहीं होता था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार रेस रखा गया है, आपका रनिंग होगा मेल कैंडिडेट का 1.6 किलोमीटर का रेस होगा, जिसमें 6 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा टोटल 6.5 मिनट। और फीमेल कैंडिडेट का 800 मीटर का रेस होगा, 4 मिनट 45 सेकंड इसमें टाइम दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप भी होगा, जिसमें 3 चांस आपको दिया जाएगा, कितना होगा वो आगे बताता हूँ। और यहाँ पे हाई जंप, लॉन्ग जंप यहाँ पे दिया हुआ है, चेस्ट रिलैक्सेशन। और यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सेकेंड फेज, उसमें
बीएसएफ का जो पैटर्न है पहले से एससीएम का उसका ही है, हिंदी और इंग्लिश कोई एक करना है आपको 20 नंबर का 20 क्वेश्चन, और यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंट 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर, क्लरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का टोटल रहने वाला है। और यहाँ पे 1 घंटा 40 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, टोटल 100 नंबर का पेपर रहने वाला है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा और आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, जिसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद आप सभी का यहाँ पे आंसर किया आएगा, जिसमें रेज ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं और उसका चेक कर सकते हैं, पूरा रिस्पांस वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। और इसमें सब कुछ यहाँ पे सिलेबस को डिस्क्राइब किया गया है कि सभी का कौन कौन सा चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्किल टेस्ट में आप सभी का यहाँ पे स्किल टेस्ट बोला गया है कि आपका जो एएसआई के लिए 10 मिनट का रहेगा, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट का होगा जो कि 65 मिनट हिंदी का होगा। सभी का डिटेल दिया हुआ है। एससीएम वालों का यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे रहने वाला है, 10 मिनट का टाइपिंग आपका होगा। इसमें मोड वगैरह सब कुछ दिया है, मंगल फॉन्ट हिंदी के लिए और यहाँ पे इंग्लिश के लिए है, मोड ऑफ प्रोसीजर मेथड सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया है, जिसे आपको डाउट है तो यहाँ से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं डाउट को, पूरा डिटेल में दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद आप सभी का होगा पूरा, जिसमें ओरिजिनल जितने भी है और जेरोक्स वगैरह सब कुछ इसमें लगने वाला है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल आपको मैं बता दिया, आई होप कि पूरा समझ में आए। मेडिकल इसका लास्ट में होगा, तो आई होप कि पूरा समझ में। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को इस चैनल पर देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद देखने के लिए।